वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। वाहिगुरु गुरमुख प्यारियो, आप जी सारे चढ़दी कला विच होवोगे उम्मीद करते हैं। गुरु साहिब जी के चरणों च अरदास करते हैं, महाराज आप जी नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखन, बंदगी बख्शन, नामदान बख्शन। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, अज आप जी नाल जो विचार करना है, हो सकता है आप जी ने भी वो वीडियो देखी हो। वैसे जिन्हां ने नहीं देखी वाहिगुरु जी, उन्होंने भी पता लगना चाहिए। तो वाहिगुरु जी, आपां ना कित्थे लैके जा रहे हैं, जिहड़े गुरु दे बख्शे सानू सिद्धांत ने, जो गुरु साहिब जी दी बख्शी बाणी है, जो गुरमत विचार है, जो गुरमत वाहिगुरु जीवन है, वाहिगुरु जी उहनूं आपां इहो जिहे कम करन लग गए। हुण विच कई ऐसे भी आ गए, आप जी नूं विचार दसदे आं भी गल है की है। वाहिगुरु जी, एक बंदा जिन्ने जिहड़ा रूप है ओह बाणा पाया, हुण आपां तां बाणे वाले नूं खालसा ही जिहड़ा है कहांगे, समझांगे। वाहिगुरु हुण वाहिगुरु जी, जिन्ने जिहड़ा अमृतधारी हुंदा है, ओह गुरु दा सिंह या सिंघणी है ना, गुरु के बच्चे हो जाते हैं। तो वाहिगुरु जी, वो बड़े ध्यान नाल जीवन के विचरना होंगे उन्होंने, क्योंकि सतगुरु उन्होंने साहिब गुरु का साहिब जी को संबोधित कर रहे हैं भी आप कि बच्चे हाँ। तो सतगुरु दूजे पास जिन्हें बाणा ही पालिया वाहिगुरु जी, वह तो खालसा जी फौज है वो आ गई, उन्होंने होर ज़्यादा चीज़ों का गलों का ध्यान रखना पैदा, क्योंकि बाणा जोड़ा है वह भी गुरु साहिब जी का। सतगुरु वाहिगुरु जी, वो बंदा की कर रहा है, पंक्ति पढ़ रहा है, गुरबाणी दे विचों पंक्ति का जोड़ा उच्चारण कर रहा है, फिर उसका अर्थ कर रहा है, हसदे हसदे अर्थ करते वक्त गालां कढ रहे हैं, वाहिगुरु जी भैणां दीआं गालां भैन दी। कढ रहे हाँ हैं। जी वाहिगुरु तो वाहिगुरु जी, वो वीडियो संगत दे विचों गुरमुखां ने भेजी, तो वह कहिंदे कि आप जी इहदे विचार जरूर दिओ। देखो वाहिगुरु जी, विचार असीं इहदे ते दईए ना दईए, वह कोई मायने नहीं वाहिगुरु रखते, सतगुरु ठीक है। गल तो यह कि अपना जिवें मान लो कि हुण वह वीडियो दे थल्ले मायने की रखता है, कि वह थल्ले बहुत सारे गुरमुख या संगत चो कह लो, या पता नहीं वो कौन लोग ने जिहड़े आ के लिख रहे वाहिगुरु जी चढ़दी कला बहुत वधिया, वाहिगुरु जी। आपां वाहिगुरु जी वीडियो देख रहे हैं, तो साडे मन नूं ठेस नहीं पहुंची कि एक आपां पंक्ति पढ़ रहे हैं, बंदा एक पासे नाल अर्थ दे विच गाल कढ रहे हैं। तो वाहिगुरु जी, गालां तो वैसे ही मूंह चंगियां नहीं लगदियां, चाहे वह कोई होवे, ठीक है। तो खास करके जदों बाणा पा लिया वाहिगुरु जी, आपां गुरु दे लड़ लगे हाँ, तो आपां गालां क्यों कढ रहे हैं अर्थ क्योंकि दसदे वक्त। सतगुरु साहिब जी का उपदेश यही हैगा है कि सुबह उठते ही तुसी नाम जपना है, बाणी पढ़नी है। जी जिहड़े वाहिगुरु जी बाणी पढ़ते हैं, विचारते हैं, नाम जपते हैं, तो उन्होंने मुँह उत्ते अगर गालियां है तो इसका मतलब यही हैगा वाहिगुरु जी उन्होंने गुरु साहिब जी का उपदेश या तो समझे ही समझा नहीं, ही नहीं वाहिगुरु जी, या उन्होंने कर्म विच नहीं हैगा फिर कर्मा च नहीं वाहिगुरु जी। हैगा वाहिगुरु जी। नाले ये ना अज वाहिगुरु कल बहुत कुछ देखने को मिलता है, संगत सारी देखती है, पर वाहिगुरु जी गल इदा है कि इहो जे वीडियो थल्ले या कोई बंदा इहो इदा दी जिहड़ा पंक्ति पढ़ के गालां कढ रहा है, वह कौन गुरमुख ने जिहड़े नीचे जाके लिख लेंदे आ वाहिगुरु जी चढ़दी कला बहुत वधिया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, आपां तां ना गलत पासे तुरीए, एक बंदा गाल कढ रहा, आपां उहनूं नीचे जाके सपोर्ट कर रहे हैं। तो वाहिगुरु जी, एक गल इत्थे होर है, बाणा धारण करन दा मतलब सिर्फ यह नहीं हुंदा कि असीं लड़दे फिरीए, आपां वह भी देख रहे हाँ कि जिहड़े सारा टाइम यही गल्लां करी जांदे है भी लड़ना है लड़ना है लड़ना है, वाहिगुरु जी उन्होंने लड़न लई बाहर तक जिथे लोड़ है उत्थे तां नहीं जा पा रहे हो, वो हाँ अपने च ही लड़ी जा रहे है सतबचन ना वाहिगुरु। सही बात है वाहिगुरु जी। जी, अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो क्यों 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 ना अपनी वो एनर्जी जेडे इनोसेंट लोगों के ऊपर जी अत्याचार हो रहा है उन्हें लिए लड़ो उन्हां वाहिगुरु लई जी। वाहिगुरु जी आवाज़ नहीं निकलती। हुण जिवें मान लो कोई बेसहारा है या किसी नाल धक्का हो रहा है, चाहे वह सरकार वल्लों हो रहा है चाहे वह वाहिगुरु किसी पासों हो रहा है, कोई अमीर किसी गरीब नाल कई बार धक्का कर दे, उत्थे तां वाहिगुरु जी नहीं जाते हो, बस यह सतबचन कि वीडियो दे विच या कमेंटां दे विच या कह लो भी धमकी जिहनूं आपां कहिंदे आं भी ओह कम्मां च लगे हुए है भी इंज जी उंज जी तुसीं मिल लो जी देख लांगे जी आह हाँ गल्लां च। वाहिगुरु जी, आपां खालसा, खालसे का की सिद्धांत है, खालसा वाहिगुरु जी अकाल पुरख की फौज है, ठीक है। जे लड़ना है तो वाहिगुरु जी वो एक मैदान है जिथे आप अपने, पहला तो आप अपने पांच दूतों नाल नहीं कभी लड़ते, ठीक है, उन्हों का सानू कोई लेन देन नहीं होंगे। सतब क्योंकि वाहिगुरु जी गुरु साहिब जी ने सूरमा दस्या ही उन्हां नूं है, एक तो जेड़ा अपने विकारों नाल लड़दा है, बिल्कुल दूजा गरीबा लई खड़ा होंदा है, सत लई आवाज उठांदा है, वो असली सुरमा होंदा है हुण वाहिगुरु वाहिगुरु जी। जी मान लो साडे सामने कोई वीडियो आई, सानू वाहिगुरु किसी जी की गल जिहड़ी है नहीं चंगी लगी, तां आपां इग्नोर कर दांगे, ते जे ओह गुरु साहिब जी नूं लै के या कोई बाणी नूं लै के या गुरमुखां नूं लै के, ठीक है वाहिगुरु जी, उहदे ते कह रहे तां आपां विचार कर सकदे हां कि तूं आ गल क्यों
कह रहे हैं भी आ गलत है या सही है या जिद्दा भी है, एक होंगे विचार। एक वाहगुरु जी जा जाके टक्कर मारनियाँ भी आपां तां बस हुण बाणा पा लिया तो असी हुण बस लड़ना ही लड़ना है। वाहगुरु जी हुण मैं आप जी ने एक गल दसदा, 99% वो गुरमुख ने जो बाणी की अहमियत को समझते हैं, ठीक है, वो गुरमुखों भी आप जानते हैं, उन्होंने असं विचर के आप सीखे भी किदा सतबाज चलना पऊगा। सतबाज हो सकता है पहला साढ़े जीवन से भी असं भी बड़े क्रोधी रही हुई है, पर जो बाणा पा लें ना फिर वाहगुरु जी बड़े प्यार नाल सहज नाल चलना पैंदा है। सतबाज अपने सतबाज पुराने जीवन नू नाल लेके नहीं चली दा हुंदा बाणा पा के। महाराज अगे अरदास करी दी कि जो तां मैं पहला सी उत्थों तू मैनू बख्शिया, तू मैनू अपने लड़ लाया, तो हुण मैं बाणा पा के फिर वही काम शुरू करता सतबाज कि आपां ए जिवें मान लो एक फीलिंग च ये आ जन्ने आ आपां देख रहे हैं कि हो सकता है। हुण देखो वाहगुरु जी सच है ना जिहड़ा वो हमेशा सामने आ ही जांदा हुंदा, वो बहुत इधर लुकिया नहीं रहिंदा। हुण जिहड़े गुरमुख ने हुण जिवें वाहगुरु जी आपां बुढ़ा दल दे गुरमुखां नाल विचरदे हाँ, तरना दल दे गुरमुखां नाल विचरदे हाँ, साडा सारिया नाल प्रेम है प्यार है ना, ते आपां उहनां तों सिख्या जदों असीं इस राह ते तुरना सी, जिहड़े निहंग सिंह ने उहनां तों सिख्या कि आपां किवें चलना है, की सानूं समझ के चलना पऊगा, की रहत मर्यादा। ते वाहिगुरू जी हुण इह जिहड़े ने उह आपां इह नहीं कहिंदे भी चलो उहनां ने की टैग लिखता उत्ते की नाम लिखता भी, हुण इदां तां कल नूं कोई भी लिख के पा दूगा भी मैं फलाणे दल चां, ते उहनां दी वीडियो जदों तो देखो ते वो एक वाहिगुरू जी हंकार जिहड़ा है वो साफ नज़र आंदा है, क्रोध हंकार। ते वाहिगुरू जी ये सिर्फ हैगे ने जिहड़े गालां तक कढ़न ते आ गए कि पंगती पढ़ रहे नाल गाल कढ़ रहे, वाहिगुरू जी आपां नूं समझना पएगा कि ये कौन ने, कि या तो वह समझन इस गल नूं। देखो ये जे आपां हुण मान लो ये वीडियो बनाई है, उन्होंने इस गल नूं समझना नहीं, उन्होंने इस गल का भी कितने होर ही किसी पासे लै जाना गल बस नूं, विरोध विरोध ही विरोध जाना। ते आ जाना भी तुसीं आ हाँ गल किदां कहती क्यों कहती। हुण वाहिगुरू जी जिहड़े सच्चे गुरु के खालसे ने, जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म च चलते हैं, वाहिगुरू जी महाराज ने सिंघां तों किन्ने युद्ध लड़वाए, आप सतबाज युद्ध लड़े, ते वाहिगुरू जी उन्हां दी बोली की सी, इतिहास पढ़ी है अगर तां महाराज अकाल पुरख नूं याद रखदे सी हर वेले। आपां उहनां दा एग्जाम्पल लैणा आपणी लाइफ दे विच कि आपां आपणे सतबाज प्यो वर्गे किवें बन सकदे हां, आपां वाहिगुरू जी वो छड के बंदगी छड के ते आपां किहड़े पासे लग गए कि असीं पंक्ति पढ़ रहे हां ते बाणा फिर पाया होया ते फिर आपां नाल गाला कढ रहे हां, सतबाज बहुत गलत लग्गिया देख के क्योंकि वाहिगुरु जी जिन्होंने यह वीडियो भेजी सी जी। उन्होंने यही अगे वो खुद बोलिया खालसे ने कि यह होंगे खालसा। जी, वो खुद खालसे ने, वो बाणे वाले ने, वो भी निहंग सिंह ने, वो कहिंदे कि वाहिगुरू जी सानू बड़ा दुख लग्गिया देख के। ते मैं कहा वाहिगुरू जी देखो असी इहदे ते गल करिए चाहे ना करिए उहदे नाल फर्क कोई नहीं पैणा, जिन्हें जो करना उन्हें करना ही है ना, सतबाज पर यह जरूर है कि आप चलो संगत के विच यही विचार फिर रख सकते हैं। जे आप जी का जो हुक्म है, जे आप जी कह रहे हो कि विचार कर दो इस वीडियो पर, तो 2 दिन 3 दिन हो गए वाहिगुरु जी आप नहीं बना रहे सी वीडियो, पर फिर महाराज का जो तो हुक्म होंगे फिर ही बनाने कि ये ते गल करनी किन्नी क जरूरी है। फिर साढ़े मन के विचार की आया कि जी संगत है वो तो इस गल को समझे कि आप जे योजा कोई दिखता है आपू तो उन्होंने रिपोर्ट करना चाहिए कि यह गालां कढ रहा है। वाहिगुरु जी सतबाज की साढ़े लिए बाणी तो उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी तो उत्ते कुछ है, कोई बंदा है, बाणी तो उत्ते कोई बंदा तो नहीं है वाहिगुरु जी, तो वो नहीं बाणी में ही जो उचार रहे थे गालां कढ़ रहे थे, असी इस गल को पता नहीं लाइटली लैन लग गए हाँ अजकल, तो या फिर आपू सर्टिफिकेट देता भी इन्हें बाणा पाया कुछ भी बोल सत सकता। इसका मतलब ये नहीं है वाहिगुरु जी, अगर आप जी बाणी उचार रहे हो पंक्ति उचार रहे हो तो आप जी नु प्रेम आ रहा है, प्रेम में कौन गालियां कटता है। ते गुस्से में भी वाहिगुरु जी शहीद सिंह और सिंघनिया पता कौन सी वाहिगुरु जी, और बंदगी वाली रूहें सी, वो गालियां थोड़ा ना कढ़ते सी वाहिगुरु जी, नाले गाला है वाहिगुरु जी। एक गल माँ होर भैन दी चलो गालियां आपां कढ़ते एक गल वाहिगुरु संगत तो ही पूछ लेने हैं कि मान लो वाहिगुरु वाहिगुरु जी मैं वीडियो बना रहा वा ते मैं कोई वाहिगुरु पंक्ति का उच्चारण कर रहा, ठीक है, पहली गल तो वो बड़ी सहज अवस्था च हुंदा है जदों इंसान पंक्ति पढ़ता है, वाहिगुरु जी उत्थे तो फुरने रुके हुंदे है, हाँ बाणी च इन्नी सतबाज ताकत है कि साडे अंदर फुरना भी नहीं आंदा, गाल तां सतबाज फिर बड़ी दूर दी गल होगी, इहदा मतलब असीं वो पढ़ के कोई होर ही पासे जा रहे हैं। ते जे मान लो कि कोई मूँह गलत बचन निकल ही गया तो वाहगुरु जी वो वीडियो नू डिलीट करके दोबारा बना लो, पर आपा पानी उही है ताकि हिट हो जाए, आपा पता गाल कट के पानी है ताकि हिट हो जाए ताकि व्यूज चले जाण। वाहगुरु जी वाहिगुरु जी जिहड़ी संगत नीचे कमेंट भी कर रही सी, कुछ ऐसी भी संगत सी जिन्हां ने जिन्होंने सवाल किया विरोध है भी किया। विरोध हाँ किया है बट मतलब समझा जो उनका साथ दे रहे थे, देखो वाहिगुरु जी या तो आप खालसा को समझ नहीं पाए कि खालसा क्या है, जी
खालस का मतलब आप जी नू पता ही है, सब नू पता कि जी प्योर, प्योर और अखालस मतलब खालसा मतलब अकाल पुरख की फौज। तो अकाल पुरख की फौज, आप खुद सोचो वाहिगुरु जी, जेड़ा साडा प्रभु है ठीक है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने सब कुछ रचा है, वो गालियां दूंगा क्या वाहिगुरु? वाहिगुरु जी। इत्थे इस गल दे नाल मैं एक गल जोड़ना चाहूँगा कि वाहिगुरु जी जदों तक असीं बाणी वाले नहीं हुंदे, गुरु दे नहीं हुंदे, अमृत नहीं छकिया हुंदा, आपां मनमुख जीवन च हुंदे आ ना, उदों आपां हुंदे आ एक, आपां कह सकदे हाँ कि एक आम मनुख जिवें अज कल आपां देखदे हाँ ना। पर जिन्हें वाहिगुरु जी गुरु दे कोल जा के, गुरु दे अगे सीस जिहड़ा भेट करके अमृत छक लिया, गुरु दी फौज विच चले गया, फिर उत्थे तां वाहिगुरु जी जे आपां वाहिगुरु देखिए तां किन्ने तर्हां दी रहत मर्यादा दे विच वी इह वी आंदा है सत कि बचन तुसीं मूंह कोई गलत गलत बचन नहीं बोल सकते, ना। ते उत्थे तां गालां ही सिद्धा चल रही हैं। वाहिगुरु जी जब गुरु पिता जी ने बोला ही यही है कि किसी औरत औरत तो माँ भी होती है, भैन भी होती है ना, बेटी भी होती है, जी तो उन्हां दे आगे आप जी ने कुछ गलत नहीं, अगर कोई औरत गलत कर रही है और सामने सिंह खड़ा है तो सिंह उस औरत को प्यार से ही बोल सकता है, समझा सकता है, बट ये नहीं कि आप उसके ऊपर हाथ उठा दो, ऐ मना है। यहाँ तो वाहिगुरु जी पिताजी ने तो ये चीज समझाई, यहाँ उससे उल्ट चल रहे हो तो गालियां ही दे रहे हैं वाहिगुरु। वाहिगुरु जी, ये वीडियो बच्चों ने भी देखनी होंगी है, ये वीडियो भैनों ने भी देखनी होंगी है। मेन मकसद की सी तुहानू दसण दा, हुण वाहिगुरु वो गल दस दिंदे आप जी नू। मावां भैणां खास करके वो भी देखदियां वीडियो, चलो वो तो पहला इस करके देखणगे भी कोई खालसा है, कोई चंगी गल करनगे, फिर उत्थे उन्होंने पंक्ति उचारती तो वह कहणगे बहुत चंगी गल है, उन्होंने मुँह वाहिगुरु निकलेगा वाहिगुरु, ते अगे कड़ती गाल, ते की असर जाएगा बच्चों च, ते जिहड़े अगों बच्चे इस राह ते चलणगे वाहिगुरु जी, वो कल नू यही कहणगे ना कि ये भी तो कढ़दे आ गालां, फिर की हो गए। तां वाहिगुरु जी आपां इन्हां गल्लां तों सुचेत होइए, यही आप जी नूं बेनती करनी सी कि वाहिगुरु जी वो वीडियो अगर आप जी ने देखी है तो आप जी नूं भी पता होएगा, तो अगर आप जी ने नहीं देखी तो महाराज करन वो आप जी दे सामने ना ही आवे वीडियो, क्योंकि देख के दिल दुखदा। ठीक है वाहिगुरु जी, तो देखो फिर एक बार लास्ट विच आप जी ने गल दसदे आ, उस वीडियो के थले बहुत गुरमुखों ने कहा कि वाहिगुरु जी आप जी इदा क्यों बोले या इदा नहीं आप जी उच्चारण कर सकते, पर अजकल ना किसी दे सेहत ते कोई फर्क नहीं। ठीक है वाहिगुरु जी, वो अगला कहिंदा मैं जो करना है मैं करना है, तू कौन होना मैंने रोकने वाला, या सत अगों बचन लड़न नू पै जाणगी, गलती नहीं मननी कि होगी जी गलती कोई गल नहीं, अगों ध्यान रख लांगे, या वो वीडियो डिलीट की जा सकती सी, एक जिन्होंने आप कहने ना 30 सैकेंड की या 40-50 सैकेंड की वीडियो होंगी है तो उन्होंने आप डिलीट कर सकते हैं जे संगत दे उस चीज़ का नहीं सही प्रभाव जा रहा। पर नहीं वाहिगुरु जी, आप उस गल जे कोई सानू कह भी दे कि तुसी इत्थे गलत बोलिया है या तुसी ये नहीं, एक बेद भी है वाहिगुरु जी, जे आप एक सीधी स्पष्ट गल करिए तो एक बेद भी है, सत पंक्ति बचन पंक्ति पढ़ते हुए गुरु बाणी विच्चों ते आप गाला नाल कढ़नी है, तो वाहिगुरु जी वो बेद भी ही हुंदी है। सत बचन जी वाहिगुरु जी लगता है भूल चुके हैं कि आपा कौन है, जी किदे अंश है बिल्कुल ठीक है। अगर आप जी नू याद हो जदों बाबा बंदा सिंह जी लड़े सी वजीर खान, वो सारी चीज सब नू पता है ना जी वाहिगुरु जी, जी ते ओदे बाद ओदी वाइफ ते बच्चे रह गए सी हाँ जी है ना। हाँ जी तो याद करो वाहिगुरु जी वो चीज़, तब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने की किया सी उस औरत ते बच्चे नू, कहा सी जेड़े सिंह सी नाल उन्होंने कहा सी कि इन माता ते बच्चा नू इज्जत नाल छड़ के आओ जिथे जहाँ इन्होंने जाना चाहते जाना हैं, है बिल्कुल ठीक है। ये साडे पिता जी ने संस्कार सिखाए हैं सानू, ए बिल्कुल मर्यादा सिखाई है सानू, ना बिल्कुल कि वो भी तो वाहिगुरु जी चलो उदी वाइफ सी, जी पापी दी वाइफ सी ना, जी बट उन्होंने पिताजी का हुक्म माना उस टाइम बिल्कुल, पे कि उदा थोड़ी औरत कोई पे, कसूर सी। मैं वही कह रही हूँ वाहिगुरु जी। और यहाँ पर माँ दी भैन दी कहंदे आ सानू जोश नहीं आंदा, मतलब बिना गाली दे जोश नहीं जोश आंदा, जोश तां वाहिगुरु जी सानू जकारा छड्ड के आंदा है, सत बचन जो जिहड़ा जोश है वो तां सानू महाराज ने दसम बाणी वाहिगुरु जी आपां किन्ना कुछ महाराज ने सानू बख्शे कि वो पढ़ के आऊगा, जकारा छड्ड के आऊगा, गुरु दी वाहिगुरु फतेह बुला जी के आऊगा। सत भजन। नहीं तो तुसी ओ शब्द सुन लिया करो, जागड़दन नागड़दन बागड़दन बाजे, उसमें कितना जोश आता है, बिल्कुल वीर मतलब रस है गालियां दे के गालियां कड़ के ही तुहानू जोश, या तुहानू ए दिखता है कि आपा तो किसी तो डरदे नहीं, आपा मतलब कितने जा रहे हो वाहिगुरु जी तुसी? हुक्म तो ना जेड़ा गुरु साहिब आपां जी वाहिगुरु जी सानू, इत्थे एक चीज़ देखते दे, जो आप जी ने हुणे गल कही ना कि कहिंदे वाहिगुरु आपां किसी तो डरदे नहीं, वाहिगुरु जी सच्ची डरना चाहिए भी नहीं, ठीक है गुरु साहिब का हुक्म है, सत पर बचन आपां ना अपने ही भैन भरावान नू ही धमकाने लगे हुए हैं कि हाँ असीं नहीं डरते जी, असीं है जी वो जी, वाहिगुरु जी
ਡਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਯੇ ਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈਏ, ਸਤ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਨ, ਹੈ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੱਤ ਵਜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਬਚਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰਤਾ, ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਕੇ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ
संत खालसे का होसी होसी प्रकाश प्रकाश और वाहिगुरु जी सतगुरु होके ही रहूगा, महाराज के बचन ने वाहिगुरु जी सत आपा बचन। आपा उस पासे तुरिए कि मारे सानू भी बख्श लैन बस अपना आपा नाम वाहिगुरु जी मलेश खालसे विच ना नहीं लियाना आना वाहिगुरु चाहिए जी, इस चीज का ध्यान रखना जी। बस वाहिगुरु जी। ठीक है वाहिगुरु जी, फिर किसी अगली वाहिगुरु वीडियो विच आप जी नाल विचार सांझे करांगे। भुल चुक खिमा दी माफ़ी, माफी, वाहिगुरु संगत जी गुरु साहिब जी बख्शन योग ने, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहे वाहेगुरु गुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहे वाहेगुरु गुरु जी जी की की फतेह। फतेह।